हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ एक जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं, तो आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों ने सबसे पहले सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम लोग उठाने वाले हैं आज। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग आज ब्रैक्स इक्वेशन की हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो IIT जैम के और दूसरे कंपटीशन जस्ट TIFR के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछी आती हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपने हम लोग पहली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहें। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ। तो आप लोग कोशिश ये करें, जो भी बच्चे सीरियस एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीरियस पढ़ने वाले हैं, तो वो कोशिश ये करा करें मेरे क्लास में आने के बाद कि वो कॉपी और पेन लेके ज़रूर आया करें। ये हमारा मस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है कॉपी और पेन लेके ज़रूर आया करें और साथ में बैठ के नोट करते रहें। इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप जो है साथ साथ पढ़ने की, ऑनलाइन पढ़ने की आपकी आदत भी बन जाएगी। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहें, इससे आपका टाइम बचेगा, वीडियो भी चलती रहेगी और आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे। वरना ऐसे क्या होता है, अगर मैं पहले से लिख दूंगा तो आप क्या करेंगे कि बढ़ाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तो उसी में ही आधा टाइम निकल जाता है। तो साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो हम लोग एक रियल जो हमारी लाइफ हमारी जो रियल क्लास होती है कि ऑफलाइन क्लास होती है, उसी की हम लोग फीलिंग का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है उसी तरीके से हो। मैं आपसे ऐसे ही वीडियो में बातें करते रहूँगा ताकि आप लोगों को लगे कि हम लोग ये जो है क्लास को कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ 30 डिग्री हमारा होता है यहाँ पे, तो द लैटिस पैरामीटर, तो सभी बच्चे ध्यान दें, तो लैटिस पैरामीटर वो पूछ रहा है, द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ द क्रिस्टल, द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल इन एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम में हमें बताना है आर हमारा क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस जो उन्होंने दे रखे हैं, 1 दे रखा है, बी हमारा √3 दे रखा है, सी हमारा √11/2 है, डी हमारा √11 है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग जल्द से जल्द नोट कर लें। आई होप कि आप लोगों ने अब तक नोट कर लिया है। अब हम लोग जो है इसके आगे चलने वाले हैं, तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं, सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, पहले इस तरह के क्वेश्चन की मैं बता दूं क्या करना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस का यूज़ होता है, 2D बराबर साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, और एक हमारी इक्वेशन होती है डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट क्यूबिक सिस्टम के लिए, जिसको आप इक्वेशन को बाखूबी जानते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में जो ये दोनों इक्वेशन में खास बात क्या है, डी की खास बात है, ये हमारा क्या सबसे खास बात है, ये हमारा डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डी दो इक्वेशन में आ रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इक्वेशन अलग अलग तरह से हमारे क्वेश्चन दे सकते हैं। भाई HKL दे दिया उन्होंने, HKL तो देंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास चार चीजें बची, ए थीटा लैम्डा ए, इनमें से वो क्या करेंगे, तीन चीजें दे देंगे, चौथी जो पूछेंगे। अगर सपोज करिए उन्होंने लैम्डा दे दिया और थीटा दे दिया, तो आप क्या करोगे, पहली वाली जो हमारी इक्वेशन है उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग डी निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लोग का ये डी है, डी निकाल लेंगे। फिर उसको डी निकालने के बाद एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में डी की वैल्यू रखेंगे, उससे हम लोग ए निकाल लेंगे। तो यानी कि ये हमारा डबल फार्मूला प्रॉब्लम, इसको हम लोग बोलते हैं डबल फार्मूला प्रॉब्लम है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम जो है आती हैं, तो इसके हमें दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए या दो फार्मूले हमारे इस तरह से आने चाहिए। हम लोगों ने एक जनरल बता दिया है, ये हमेशा इसी तरीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से कम अब तक IIT जैम में इस दो इक्वेशन से 7-8 न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं, और ये जो मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ ये भी IIT जैम की ही प्रॉब्लम है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होती है, ओके। तो डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, यहाँ पर निकल कर आ रहा है ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दो हमारी इक्वेशन होती हैं। अब हम लोग को अगर हम लोग यहाँ पे ए निकालना है, ए हमारा कैसे निकल कर आएगा, डी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग डी निकाल लें, तो डी हमारा यहाँ से कैसे निकल कर आ जाएगा, एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा, ये हमारी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो अब हम लोग जो है ए को अगर हम लोग रखें, तो डी की जगह अगर हम लोग ये वैल्यू जो है उठा के नीचे रख देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा
अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, बस हम लोग को वैल्यू पुट करनी है। वन इंटू वन एंगस्ट्रॉम, यानी कि हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम में लेने आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग साइन थीटा 30 लेने वाले हैं, यहाँ पर 2 साइन थीटा होगा, 2 होगा, 2d साइन थीटा होता है, तो ये 2 भी लगा लीजिएगा आप लोग, 2 साइन थीटा। और यहाँ पर हमारा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो हमारा होना ही है। अच्छा, अंडर रूट एच स्क्वायर, तो ये हमारा अंडर रूट 3, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुल मिला के देखिए 1/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और यहाँ पर हमारा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारा आने वाला है। तो ए जो हमारा कैलकुलेट करके फाइनली आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा हमारा √11। तो अब आप लोग क्वेश्चन को अगर आप अपने अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था, डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन में दे रखा था √11, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हमारे IIT जैम की प्रॉब्लम है, जैम 2009 में हमारी ये प्रॉब्लम पूछी गई। तो इससे आप लोगों को आइडिया लग सकता है कि हमारा कैसे जो है IIT जैम वाले हमारे किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं, पहले हम लोग छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स जो है अच्छा आने लगा है तो हम लोग जो है और भी आगे इन फ्यूचर में हम लोग ऐसे वीडियोज जो है अच्छे हम लोग सीरीज काफ़ी अच्छे बनाने लगेंगे, थोड़ी लेंदी वीडियो बनाने लगेंगे, अभी शुरुआत में हम लोग ऐसे ही देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच, द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच फर्स्ट ऑर्डर पीक, फर्स्ट ऑर्डर पीक इन एक्सरे लैम्डा इज इक्वल टू 1.53 एंगस्ट्रॉम डिफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू वन 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 प्लेन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। साथ साथ आप लोग मेरे नोट करते रहिएगा, स्ट्रक्चर विद द लैटिस कॉन्स्टेंट ए इज इक्वल टू 2.65 एंगस्ट्रॉम। यानी कि अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और वो पूछ क्या रहे हैं हमारा, थीटा पूछ रहे हैं, यानी कि वो जो है इज अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना होगा, यानी कि अब वो जो है एंगल पूछ रहे हैं। देखा आप लोगों ने, अब हम लोगों को लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन का यूज तो करना ही पड़ेगा। पहले तो मैं ऑप्शंस लिख दूं, ए बी हमारा सी कितना है, सी हमारा 45 डिग्री है और डी हमारा है 60 डिग्री। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है, ये हमारा जैम 2010 की हमारी प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इसका सोल्यूशन, हम लोग देखने वाले हैं, तो आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग को थीटा निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, थीटा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 2d बराबर साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, तो थीटा लगा निकालना हमारा आसान है, साइन थीटा बराबर एन लैम्डा अपॉन 2d। लेकिन हम लोगों को उन्होंने क्या दे रखा है, हम लोगों को डी नहीं दे रखा है, यानी कि लैम्डा हम लोग को दे रखा है 1.53 एंगस्ट्रॉम उन्होंने दे रखा है, एच के एल की हमको वैल्यू दे रखी है 1 1 1, ये हमारे मिलेंडाइसिस की वैल्यू दे रखी है एच के एल, एन हमारा 1 दे रखा है, डी नहीं दे रखा है। तो ए हमारा क्या दे रखा है, 2.65 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। हम लोग ये वाली इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग ये वाली इक्वेशन की मदद से निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पर अपना डी निकाल लेंगे, फिर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। अच्छा, पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, एन लैम्डा अपॉन 2d, डी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1 इंटू 1.53 अपॉन 2 इंटू 2.65 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो जब आप लोग इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे ये हमारी कुछ निकल कर आ जाएगी 1/2, यानी कि हमारा यहाँ से थीटा बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कि हमारा थीटा कितना निकल कर आ जाएगा, 30 डिग्री हम लोगों का थीटा निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा अच्छा ये हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो आप लोग बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने मतलब 2 साल में, यानी कि 2009 में भी प्रॉब्लम पूछी, फिर वैसे ही 2010 में भी उन्होंने क्या करा, रिपीट कर दिया प्रॉब्लम को।
तो अब यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि वो लोग जो है कितना प्रॉब्लम को रिपीट भी करते हैं और इसके बाद भी रिपीट करेंगे। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मैं और इसके ब्रैक्स इक्वेशन के लाऊंगा प्रॉब्लम, जिससे आपको आइडिया लग सके कि ये हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कितना ज्यादा सीख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो, कमेंट अमेंट करके मुझको बताइए, जरा फीडबैक दीजिए, फर्स्ट वीडियो है, आगे और भी वीडियो लेकर आनी है हमको, ठीक है। तो लाइक जरूर कर देना, अगर कुछ डिस्कशन करना चाहते हो मुझसे, कुछ पूछना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मुझसे जो है पूछना हो तो टेलीग्राम की आईडी है मेरी। अगर मेरा चैनल जो अगर देखना चाहते हो तो वो तो हमारा ये IIT जैम फिजिक्स, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को टेलीग्राम के सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जो है आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ जो है ये हमारी वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट है, इसके हम लोग और भी पार्ट्स बनाने वाले हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब या जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और क्या बोलते हैं शेयर करिएगा। तो मैं तो एजुकेटर हूँ, कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मुझे इतना जानकारी नहीं है, बस हाँ सब लोग बोलते हैं शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और सेम थिंग यार तुम समझते हो, कर दो यार थोड़ा सपोर्ट, शुरुआत का टाइम है, चैनल न्यू है, ग्रो करना ही है, हम और तुम मिलकर इस चैनल को अच्छे से ग्रो करने वाले हैं और मैं IIT जैम 2021 वाले एस्पायरेंट्स की तैयारी कराने वाला हूँ अपने चैनल में, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं कराने वाला हूँ आगे, बहुत कुछ हम लोग जो है सोच रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम लोग इसको इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा तो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर।